विहीनापराध लक्ष्य कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीवन कुरुत मंद मती दयाद्वरा तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेतुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा के बोलो बोलो हरे कृष्ण को थोड़ी सा कृष्ण कृष्ण हरे हरे साधु हरे राम हरे राम आगे आ राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। आपका नाम क्या है? अशोक। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताएं भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत सौभाग्य का दिन है कि श्री अशोक प्रभु जी और राधा माता जी इन्होंने अपना पूर्वजों को आत्मा की कल्याणार्थ ये श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने श्री गौड़ीय मठ में रखवाया। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहा करते थे कि जो श्रीमद् भागवत कथा सुनना जगत में ऐसे कुछ वस्तु है जैसे अगर किसको पास में पैसा की बल हो कहते जो ऐसे कुछ काम जो काम को कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम अगर हमारे पास में जन बल हो लोग अगर मदद करने वाले हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं हो अगर मन का बल होना हम क्या कहते हैं भैया करो देखा जाएगा जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन जगत में सबसे जो बड़ा बल है वो आत्मा बल है। जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में आत्मा बल हो जो काम कर सकते हैं। लेकिन गुरु जी कहते थे ये श्रीमद् भागवत कथा रखवाना और ये भागवत कथा सुनना न तो कोई जन बल से कर सकते हैं न तो कोई अर्थ बल से कर सकते हैं न तो कोई मन बल से कर सकते हैं न तो कोई आत्मा बल से कर सकते हैं। जब तक बांके बिहारी जी की ठाकुर जी की और गुरु जी की कृपा की बल नहीं हो कदी ये भागवत कथा कोई कर भी नहीं सकते हैं
और ये भागवत कथा कोई सुन भी नहीं सकते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते एक जन्म नहीं, जब करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई सौभाग्य उदय हो तभी ये जीवन में ये भागवत कथा सुनने का कोई अधिकारी बनते हैं। और विशेष करके ये भागवत कथा हो रही कहाँ, बोले श्री वृंदावन धाम में, श्री राधा रानी की जहाँ पर हृदय है। ये वृंदावन धाम नहीं, कहते आने रे हृदय मन मोर मन वृंदावन। इसलिए राधा रानी कहती है ये वृंदावन धाम नहीं, कहते ये किशोर जी के हृदय है। ये वृंदावन धाम की इतने महिमा है, कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम, जहां पर ब्रह्मा भी, जिस वृंदावन धाम में ब्रह्मा जी की भी अधिकार नहीं हुआ, शंकर भी गोपीश्वर बन करके आए भगवान का रास दर्शन करने के लिए, लेकिन गोपियों ने शंकर जी की चोटी पकड़ कर निकाल दिया। जहां शंकर जी दरवान की काम करते हैं, यहाँ तक भी माँ लक्ष्मी अभी भी जमुना के उस पार में बैठ करके वो बिहाय तमान सुचिरा व्रता, कब से सत्य युग से अभी भी माँ लक्ष्मी बैठी करके तपस्या कर रही हैं ये वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए, जहां पर उद्धव जैसे व्यक्ति वृंदावन धाम में तृण गुल्म और औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेने के लिए स्वयं उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, ऐसे ये श्री वृंदावन श्री धाम है। बोले श्री वृंदावन धाम की, और विशेष करके ये वृंदावन धाम में ये भागवत कथा श्रवण करना, और जहां पर श्री जमुना पटरानी जहां पर प्रवाहित तो हो रही है, और जहां पर श्री बांके बिहारी राधा मदन मोहन राधा बल्लभ सेवा कुंज राधा दामोदर, इनको बीच में बैठ करके ये भागवत कथा सुनना तो बड़े सौभाग्य का दिन है, जो हम लोग बैठ करके यहाँ पर श्री भागवत कथा श्री राधा विनोद जी के मंदिर में हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, ये श्रीमद् भागवत कथा की कितने दुर्लभता है। बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसः। कहते ये जो श्रीमद् भागवत कथा, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म ग्रहण करने पर भी ये देवताओं को भाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाने ही जा रहे थे, जिन जिन देवताओं को हम पूजा करते हैं, बोले स्वर्ग से ये 33 करोड़ देवता ये अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आप परीक्षित को ये कथा क्यों सुनाने जा रहे हो। बोले श्रृंगेरी ऋषि ने उनको अभिशाप दिया है, ये सप्तम दिन में इनको ये तक्षक दर्शन करेगा, इसलिए ना। बोले हाँ, बोले हम स्वर्ग से अमृत कलश लाए, लो ये पूरी की पूरी ये अमृत कलश ले लो, आप श्री परीक्षित महाराज को पिला दो, परीक्षित महाराज ये अमरत्व को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा हमें आप कृपा करके सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले को काच को मणिर महा। बोले मूर्ख देवताओं, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, कहां भगवान की कथा है, काक कथा को मणिर महान, वो उदाहरण देते हैं, ये स्वर्ग का जो अमृत है ये एक टूटे फूटे काच जैसे, और श्रीमद् भागवत क्या उदाहरण देते हैं, ये मणि को साथ में उदाहरण देते हैं, कहां मणि और कहां टूटे फूटे एक काच के टुकड़े। इसलिए क्यों, कभी जो श्रीमद् भागवत कथा, ये श्रीमद् भागवत कथा भागवत नहीं, बोले तेन अयम बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण ये मर्त्य जगत छोड़ करके जा रहे थे, वहां पर श्री उद्धव भी वहीं पर थे,
उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप तो ये मर्त्य जगत छोड़ कर के जा रहे हो, मैं किसको आश्रय लेकर के रहूंगा। तब कृष्ण कहते हैं, उद्धव एक स्वरूप में मैं जा रहा हूँ, लेकिन कलयुग में और एक स्वरूप में रह रहा हूँ। बोले प्रभु कलयुग में आप किस स्वरूप में रहोगे? बोले ये श्रीमद् भागवत। अगर ये कलयुग में ये श्रीमद् भागवत कथा कोई श्रवण करे, कभी भागवत कथा सुनना और कृष्ण से मिलना कोई अलग नहीं। हम सबके सब कथा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात भगवान से हम ठाकुर जी से हम मिल रहे हैं। इसलिए क्या कहते, बोले तमादि देवम करुणानिदानम तमाल वर्णाम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम। बले तमादि देवम करुणानिदानम, कहते श्रीमद् भागवत को क्या है, बले तमादि देवम, जैसे भगवान कृष्ण ये समस्त कारणों का जैसे कारण है, कहते उसी तरह ये श्रीमद् भागवत कथा भी, श्रीमद् भागवत भी ये क्या है, बले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपसौ वेदार्थ परिवर्णित। बोले समस्त शास्त्र का जो निचोड़ है, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, बोले गायत्री का ये भाष्य है, ये वेद का सार है और महाभारत का तात्पर्य है ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए कहते तत्र रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचि। अगर ये श्रीमद् भागवत कथा रस को कोई पान करे, कहते उसको और किसी चीज में किसी चीज को सुनने की उसको और रति नहीं रह जाती है। कहते समस्त शास्त्र सुनना हो जाता है ये भागवत कथा श्रवण करने पर। आप लोग एक बार सबके सब भागवत की जयकार दो। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, कुछ लोग तो जय कुछ हे बोल रहे, अरे जोर से भागवत की जयकार दो, पता लगे यहाँ भागवत कथा हो रही है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, इसलिए कहते तमादि देवम करुणा निदानम, कहते श्रीमद् भागवत किया, बोले करुणा निदानम, भागवत ये करुणा की मूर्ति स्वरूप है। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत वा अनुमोदित सद्यापनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह अपि। एक व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, उसने देवद्रोह क्यों नहीं किया हो, उसने विश्व को द्रोह क्यों नहीं किया हो, अगर कहीं ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, बोले श्रुत अगर कोई कथा को सुने, नहीं तो अनुपठित, नहीं तो उसको पढ़े, और यहाँ तक भी अगर ये भी नहीं हो पाए, जहां पर भागवत कथा हो रही है अगर कोई इतनी सी बात बोल दे भागवत कथा, बहुत अच्छी बात है, भागवत कथा तो होनी चाहिए। अगर इतना भी कोई व्यक्ति बोल दे, बोले वो व्यक्ति उसी समय में ही समस्त पाप से मुक्त होकर के भगवत चरण को प्राप्त करता है। इसलिए बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत अत्यंत अत्यंत दयाल भी भागवत है। अगर ये भव सागर से दुख कष्ट से उत्तीर्ण होकर के कोई परम शांति पाना चाहते हैं, भगवान के चरणों को पाना चाहते, क्या करे, बोले अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। जिस संसार को पार होना बड़ा कठिन है, अगर ये श्रीमद् भागवत कथा अगर कोई श्रवण करे तो वो आसानी से ही ये भव सागर से तर जाती है। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले मूर्ख देवताओं कहाँ ये श्रीमद् भागवत कथा, कहाँ ये साक्षात भगवान, और कहाँ तुच्छ अमृत को तुम बराबर कर रहे हो। बोले अमृत पीने से क्या होता है, बोले तुम्हारी पुण्य क्षय होती है, अमृत पीने से पुण्य क्षय होती है,
लेकिन कथामृत का पान करने से क्या होता है, तुम्हारी भक्ति बढ़ती है, भगवान के चरण में तुम्हारी प्रेम बढ़ती है। अमृत पीने से क्या होता है, बोले खिन्न पुण्यम मर्त लोकम विसरती, वो पुण्य समाप्त होते ही फिर स्वर्ग लोक से उसका च्युत होना पड़ता है, उसको गिरना पड़ता है। लेकिन भागवत कथा सुनने से, सुनने की बात तो छोड़ दो, केवल अनुमोदन करने पर भागवत कथा की भगवत गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, भैया क्या स्वर्ग का जो अमृत है फिर इसका कोई महत्व नहीं है? बोले नहीं, स्वर्ग का अमृत भी साधारण वस्तु नहीं। कहते जिन स्वर्ग का अमृत को पाने के लिए भगवान को भी चार चार अवतार लेना पड़ गया था। हम आगे जाकर के सुनेंगे, जिस समय में देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन कर रहे थे, मंदाराचल पर्वत को उन्हें रई बनाया, लेकिन वो रई को ला नहीं पाए, बीच में गिरा तो कितने दैत्य देवता पीस गए। इसलिए भगवान ने हरि अवतार लेकर के ये मंदाराचल पर्वत को उन्होंने समुद्र को बीच में स्थापन की। फिर जब मंथन प्रारंभ हुई, धीरे 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 ये पर्वत नीचे जा रहा था, ठाकुर जी ने कुर्म अवतार लेकर के अपना पृष्ठ में उन्होंने श्री मंदाराचल पर्वत को धारण किया, ये भगवान का दूसरा अवतार। फिर जब मंथन हुई, फिर धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर के उठे, कितना अवतार हो गया, आप लोग गिन नहीं रहे हो ना। यहाँ पर शिक्षा देते रहे हम जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं, मतलब ये कितने दुर्लभ है, जो देवता को भाग्य भी नहीं हुआ, जो भाग्य हमारी भाग्य में जो हो रहा है, ये तीन अवतार हो गया। जब दैत्य ने छीन लिया, फिर भगवान ने मोहिन अवतार लेकर के ये अमृत पूर्ण देवता को मिलाया, कितना अवतार हो गया। ठाकुर जी ने ये अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं को चार चार अवतार लेना पड़ा। इसलिए महाभारत में वर्णना आती है, ऐसे नहीं स्वर्ग में जाने पर अमृत पीने मिलेगा, ऐसे नहीं। कहते जहाँ अमृत कलश रहता है वहां पर एक काल सर्व बैठा हुआ, उसको सामने अग्नि चक्र, उसको सामने लोहे की चक्र, इसको पार करोगे कहीं जाकर के अमृत तुम्हारे हाथ में आएगा। लेकिन इतने दुर्लभ अमृत भी देने पर श्री सुखदेव गोस्वामी देवताओं को ये भागवत कथा नहीं सुनाया, मतलब क्या है। इसलिए जो व्यक्ति भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, कहते वे देवताओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, देवस्था से ज्यादा ये महिमा है जो ये भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया स्वर्ग की बात छोड़ दो, बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे, कभी ये कथा, कभी ये ब्रह्मलोक में भी ये कथा नहीं। अगर ब्रह्म लोक में जहां पर श्री ब्रह्मा जी रहते हैं भैया, वहां पर भी ये भागवत कथा वहां नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कथा है तो बेदे भावना बिहारे, कथा है तो बेदे भावना बिहारे। हम लोग जब हम कीर्तन करना, आप सब पीछे पीछे हाथ ताली बजाते हो कीर्तन करना, मेरे पीछे पीछे, बोले कथा है तो इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, अगर कहीं ये श्रीमद् भागवत कथा हो, आप लोग कथा सुनने के लिए कितने दूर से आए हो, कितने दूर से आए हो बोलो, कोई जयपुर से आ गए, कोई सिलीगुड़ी से आए, कोई आसाम से आए, कोई बंगाल से आए,
कोई कानपुर से आए, कोई बड़ौदा से आए, और कहीं ये कहीं रसिया से भी आए। इसलिए आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए हो, कुछ कुछ दूरों से सबके सब लोग भक्त लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। लेकिन अगर ये कथा अगर हो, अगर ब्रह्मा जी को पता चले ये भागवत कथा हो रही, ब्रह्म लोग कहाँ पर है, बल ये भूर भुग मोह जन तप और सत्य लोग करोड़ों करोड़ों मील दूर है, लेकिन श्री ब्रह्मा जी वहां से भी ये कथा सुनने के लिए आते हैं। बोले कैसे आते, बोले धाई धाई मतलब क्या, बोले दौड़ दौड़ करके, बोले दौड़ दौड़ करके कहाँ पर जाते हैं, अगर कहीं माल मिले ना हमें, पता चले आज रात अगर कोई काम करके लाख रुपया हमारी प्रॉफिट होगा, फिर तो हम भागते भागते वहां पर जाएंगे कि कुछ माल मिलेगा ना। लेकिन श्री ब्रह्मा जी को पता है ये भागवत कथा में हमें जितने लाभ हो सकती है ना, दुनिया में और किसी चीज में इतने हमारे लाभ होने वाले नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी जब कथा सुनने के लिए आते हैं, बोले दौड़ दौड़ करके आते हैं, और अकेले नहीं, अपना ब्रह्माणी को साथ में लेकर के आते हैं, बोले जल्दी जल्दी तैयारी हो जाओ, भागवत कथा हो रही है। ऐसे नहीं मैं जब निकल जाऊं कथा सुनने के लिए, तुम बोले अभी तो मैं श्रृंगार कर रही हूँ, इसलिए पहले से ही तैयारी बैठना, इसलिए कथा से पहले जा करके हमें वहां पहुंच जानी चाहिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा भी कथा सुनने के लिए अपना ब्रह्म लोक से आते हैं। तो गोस्वामी जी कहते भैया ब्रह्म लोक की बात छोड़ दो, बोले कैलाश नास्ते अमरस, कहती है कैलाश में भी ये भागवत कथा, कहती है कैलाश लोक में भी नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले एक बार त्रेताया जोग माहे, एक बार त्रेताया जोग माहे, एक बार त्रेताया जोग माहे, एक बार इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आप लोग रामायण सुने होंगे, जब शंकर पार्वत की इच्छा होता है हम भी कहीं प्रभु की कथा सुने, वो कहाँ से आते हैं, कैलाश से आते हैं। अकेले नहीं, यहाँ पर भी उन्होंने सती को लेकर के भी कथा सुनने के लिए आए। अब रामायण सुने होंगे, जब शंकर जी सती को लेकर कथा सुनने के लिए आए, कथा सुन करके जब जा रहे थे, बोले कथा सुनने का फल क्या है, बोले भगवत दर्शन, ठाकुर जी का आगे आ जाओ प्रभु जी, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन, इधर आ जाओ, इसलिए ठाकुर जी ऊपर आ जाओ प्रभु जी, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन ही कथा सुनने का फल। जयदेव प्रभु इधर आ जाओ। जब उन्होंने जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने क्या दर्शन किया, थोड़ी साइड कोई पर बैठो था साइड में, इसलिए उन्होंने जब वापस जा रहे थे उन्होंने क्या देखा, बोले ठाकुर जी का दर्शन हुआ है, बोले कथा सुनने का यही फल है। क्योंकि कहते हैं भगवान कुथा है, बोले भगवान कहाँ पर, बैठ बैठ बैठ, इसलिए कहते हैं भगवान कहाँ पर है, भगवान बोले भगवान कथा है, बोले जहाँ भगवान की कथा हो भगवान वहीं पर ही ठाकुर जी का निवास है। इसलिए उन्होंने क्या देखा, कैसे रावण ने छाया सीता को कैसे उठा करके ले गया, और भगवान राम कैसे हा सीते बोल करके, और विशेष करके ना जिस समय सीता चोरी हो गई, विशेष करके भगवान राम पता है कहाँ पर हा सीते कर रहे थे, वो जितने अक्सर करके ऋषि मुनियों का आश्रम के पास में, विशेष करके राम जहाँ पर सब ब्रह्मचारी लोग रह रहे थे ना, वहीं पर ही ज्यादा हा सीते ज्यादा बिलख बिलख करके जोर जोर से, मेरे सीते कहाँ सीते कहाँ, बोले ये ऋषि मुनियों का आश्रम के पास में ज्यादा क्यों बोल रहे थे। इसलिए संत लोग कहते हैं जब जिस समय भगवान राम सीता लक्ष्मण वनवास में गए, और माँ सीता तो लक्ष्मी वो बड़ी राम की सेवा करती थी, इतने सेवा करती थी ये ब्रह्मचारी लोग देख कर ना बुद्ध खराब,
वाह भैया, गृहस्थ धर्म तो बड़ा सुंदर है, इतने सुंदर स्त्री सीता है, इतने सुंदर स्त्री सीता और राम की कितने सुंदर सेवा करती, रात अपना पलक बिछा करके सेवा करती है। अभी इनकी भगवान की गृहस्थ लीला देख करके ना ये ब्रह्मचारी का बुद्धि खराब हो गया। बोले भैया हम भी अगर गृहस्थ बन जाते हम भी ऐसे आनंद लेते। फिर ब्रह्मचारी लोग तो सोच रहे हैं भैया हमको कौन स्त्री देगा है, कौन स्त्री हमें कौन स्त्री देगा। फिर सोच रहे हैं भगवान राम जब जा रहे थे मिथिला, वो जाते समय वो अहल्या बनी हुई थी पत्थर, और भगवान राम का चरण स्पर्श होते ही वो पत्थर भी बन गई नारी। इसलिए हम क्या करेंगे, जिसको गोरी स्त्री चाहिए ना गोरे गोरे रंग के पत्थर ले जाएंगे, और जिसको काली स्त्री चाहिए उसको काली काली पत्थर ले जाएगी, और जिसको सावर्ण वर्ण की स्त्री चाहिए ऐसे लेकर के प्रभु राम के चरण में स्पर्श करा देंगे ना, बस सबके सब सुंदर स्त्री बन जाएंगे, हम शादी कर लेंगे। अभी भगवान राम इसको सोच करके बोले भैया बड़ी गड़बड़ी हो गई, कहा ये ब्रह्मचारी लोग, इनको पता नहीं ये संसार किया है, लेकिन इनके मन में तो शादी की इच्छा हो रही है। लेकिन जब माँ सीता जब हरण हो गई, भगवान राम जब हासिते हासिते बोल करके रो रहे थे, बिन बिला रहे थे, ब्रह्मचारी बोले हे भगवान हम तो सोच रहे थे शादी में बड़ा आनंद है, लेकिन भगवान ही अपना पति को रक्षा नहीं कर पाए, फिर हम शादी करेंगे तो हम कैसे पति को रक्षा करेंगे। भैया शादी वादी के चक्कर में हमें नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए उसी समय में ही कहते उसी समय में भगवान राम जोर जोर से रो रहे थे। यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर भगवान की कथा शंकर को अगर कथा सुनना हो तो वो कैलाश छोड़ करके कहाँ आते हैं, इसी मर्त्य जगत में, ये कथा सुनने के लिए मर्त्य जगत में आते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये भागवत कथा रस स्वर्ग में भी नहीं, ये कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं, ये कथा शिवलोक में भी नहीं, कहते ये वैकुंठ नास्ते रस, कहते ये वैकुंठ में जाने पर भी कहते भैया वहां पर वैकुंठ कथा मिलेगा, लेकिन जो कृष्ण की जो मधुर मधुर लीला है, उनके जो रास लीला है, गिरिराज धारण करना है, ठाकुर जी का जो भैरव गीत है, ठाकुर जी का जो रसमय जो कथा है ना, ये वैकुंठ में कथा नहीं। इसलिए श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बले गाया ओ गरुड़ जहां बस ए भोसो Hare 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 Rama 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 Hare Hare
कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में जन्म ग्रहण करने पर भी उनकी सौभाग्य में भी भागवत कथा नहीं जुड़ता है। कहते श्री कैलाश में भी उपलब्ध नहीं, यहाँ तक भी ये वैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं। अभी उनको कथा सुनने के लिए स्वर्गोलोक ब्रह्मलोक शिवलोक और उनको वैकुंठ लोक छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये भागवत कथा सुनने के लिए आप लोगों को कुछ छोड़ना पड़ा है? बोलो कुछ छोड़े हो? कुछ भी नहीं छोड़े। ये कथा रूपी गंगा स्वयं प्रवाहित होकर थे और हमारी घर को पास में आ गई। हम घर में बैठ बैठ कर ये भागवत कथा रस में हम लोगों ने गोता लगा ली, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान है। बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम् की जय हो। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय हो। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय हो। इसलिए देखो और एक चीज समझो, लेकिन ये जितने ये देवता लोग कथा सुनने गए थे ब्रह्मा जी शंकर जी, आप देखो ये कभी अकेले नहीं गए, ये सबके सब जोड़े जोड़े गए। अगर पत्नी गई तो पति को लेकर के और पति गए तो पत्नी को लेकर के। बोले क्यों अकेले क्यों नहीं गए? दो दो क्यों जाते हैं? यहाँ शिक्षा देते हैं कथा सुनने के लिए अकेले मत जाए, क्योंकि जो ये कथा को रस को पान करेगा जरूर उसको ऊपर में भक्ति का रस जरूर चढ़ेगा। चढ़ेगा तो क्या करेगा? भगवान की भजन करेगा, भक्ति करेगा, माला लेकर के बैठेगा, गीता रामायण पढ़ेगा। अगर पत्नी को अगर ऊपर में अगर रंग चढ़ी तो फिर पति तो बड़ा नाराज होगा, बोले कौन सा बाबा के चक्कर में तू पड़ गई, जब देखो गीता रामायण माला लेकर बैठ जाते हो, कोई काम धाम नहीं है। अगर पति अगर कथा में जाएगा तो इसको ऊपर भी रंग चढ़ेगा, ये भी उनको पता चलेगा जीवन क्या है, भगवान ही जीवन दिया क्यों। फिर पति भी भजन करेगा, अगर पत्नी नहीं जाएगा क्या होगा, पत्नी भी ताना मारेगी, बोले कोई काम धाम नहीं। जब देखो गीता लेकर बैठ जाते हो, माला लेकर बैठ जाते हो, संसार कैसे चलेगा। लेकिन अगर आप दोनों अगर हम कथा सुनने के लिए जाएंगे फिर ये दोनों को ऊपर भक्ति का रस चढ़ेगा ना, फिर हम दोनों मिलकर के ये भगवान की कथा फिर दोनों सुन करके भैया जल्दी जल्दी चलो भागवत कथा हो रही है, चलो हम कथा सुन कर जाएंगे। इसलिए नियम है दोनों कथा सुनने के लिए। देखो आपके लिए सही घटना सुनाता हूँ। कोई एक राजा था जो जिनकी रोज रोज एक संतों के पास में कथा सुनने जाया करता था, उनको नशा है और जो सत्संग करेगा उसका फल दिया है, रंग तो चढ़ेगा भजन करेगा। अभी ये राजा क्या करता था, जीवन को नष्ट नहीं करके 24 घंटा में 24 घंटा भगवान के भजन में लगा रहता था, लेकिन पत्नी से ज्यादा बात नहीं करती। अभी पत्नी को बड़ी नाराज है, पता नहीं मेरे पति को क्या कर दिया ये बाबा ने, जब देखो माला भागवत गीता लेकर ये बैठता है। अभी पत्नी तो रानी तो बड़ी नाराज है राजा को, ऊपर ने देखा ये जो बाबा है ना ये मेरे पति को बर्बाद ही बाबा ने कर दिया,
इसको भरी सभा में इसको बदनाम मैं करा दूंगा। उन्होंने गुप्त रूप में एक वैश्या को बुलाया, बोले देख वैश्या तुम एक काम कर सकती हो, बोले बताओ। बोले जिस समय राजा भरी सभा में जब ये भागवत कथा सुनता है तो इतनी सी बात जाकर के बोल देना, बोले बाबा आपकी सामर्थ से मेरे पेट में बच्चा आ गया, बताओ ये बच्चे को मैं क्या करूं, इतना बोल दो तुम्हारी रत्न से मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा। अभी बेचारी वैश्या तो उसकी बात में आ गई। जब भरी सभा बैठी हुई थी इतने में वो वैश्या आकर के भरी सभा में उन्होंने बोले महाराज आपकी संस्पर्श से मेरे पेट में बच्चा आ गया, अभी बताओ ये बच्चे को मैं क्या करूं। जब उन्होंने ये बात बोले लेकिन राजा बड़े पहुंचे, वो संत बड़े पहुंचे हुए संत थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने सुन करके भी ये बात को उन्होंने पी लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। अभी वहां पर जितने सब लोग भक्त लोग बैठे हुए थे और विशेष करके राजा, बोले क्या ये संत सचमुच से ऐसे। लेकिन राजा को तो संतों को पर विश्वास था, ये संत कभी ऐसे गलत काम कर ही नहीं सकता है। जब राजा अपना घर में आए वो वैश्या को बुलाया, बोले इधर आ, और सामने तलवार रख दिया, बोले तू सही सही बता ये भरी सभा में ये संतों को तुमने बदनाम क्यों की, सही सही बता, तलवार सामने एकदम सर उतार देगा तेरी। वो तो कांप उठी, बोले महाराज इसमें मेरी कोई दोष नहीं, दोष आपकी रानी की, आप सत्संग सुनने जाते हो, सत्संग का रंग चढ़े आपको ऊपर में, आपको पता चला कि जीवन क्या है, ये जीवन को विषय में गंवानी नहीं चाहिए, जीवन को प्रभु की भक्ति में लगानी चाहिए। आप भक्ति करते हो, रानी तो जाती नहीं सत्संग में, उसकी तो पता नहीं भजन का क्या महिमा, हो तो बड़ी दुखी है कि रानी ने मेरे द्वारा ये काम करवाया। इतने में वो राजा वो संतों के पास में आए, माफी मांगी, बोले महाराज ये सब बात है। इतने में राजा बोले देखो इसमें दोष रानी की नहीं दोष तुम्हारा। बोले मेरी क्या दोष है, बोले तुम अकेले सत्संग में आते हो, रानी को नहीं लाते, अगर रानी को भी सत्संग में लाता ना क्या होता, दोनों भी भगवान की कथा सुनते, ये दोनों को ऊपर ये रंग चढ़ता, फिर क्या होता, फिर दोनों भगवान की भजन करते तो फिर दो पहिया में तो गाड़ी बढ़िया चलती है ना, फिर तो दोष लगता नहीं। बोले रोज रोज ये रानी को भी कथा में लाया करो। राजा बोले सही बात बता रहे हो, फिर उन्होंने रानी को भी कथा में लाए। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया अकेले कथा सुनने मत जाया करो, अगर लक्ष्मी आओ ना अपना नारायण को भी साथ में लाओ, अगर नारायण आए तो अपना लक्ष्मी को भी साथ में कथा मिलाओ, फिर दोनों को पर ये रंग चढ़ेगी तो दोनों मिल करके एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कुछ कुछ लोग बोलते हैं भैया हम क्यों अपना बहुमूल्य समय को हम ये भागवत कथा में क्यों दे, अगर ये समय को और हम कहीं लगाते दो तीन घंटा तो कम से कम माल पाठ कुछ मिलता, उसमें हमें तो जो लाभ तो होता ना, लेकिन हम ये साथ साथ ही ये भागवत कथा की श्रवण करें। इसलिए यहाँ पर श्री ब्रज गोपियां राधा रानी कहती है भैया ये भागवत कथा से तुम्हें जितने लाभ होगा ना, दुनिया में किसी बिजनेस में भी तुम्हारे इतने प्रॉफिट होने वाले नहीं जितने लाभ तुमको ये भागवत कथा से होगी। इसलिए देखो राधा रानी के गोपी गीत में क्या कहती है, बोले जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण करेगा उसको आठ फायदा होगा। कितना फायदा होगा, क्या क्या, आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, मैं देखूंगा जो बोलेगा उसमें इनाम दूंगा, ये आठ लाभ क्या है। बोले तब कथा अमृत बना
गोपियां कहती है हे श्याम सुंदर, ये तुम्हारी कथा नहीं तब कथा अमृतम। इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा, क्योंकि शंकर जी माता पार्वती को ये अमरनाथ में उन्होंने ये अमर कथा सुना, इसलिए कथा आती है। बोले एक समय श्री नारद जी, जिस समय शंकर जी कहीं सत्संग सुनने के लिए गए थे, एक दिन श्री नारद जी कैलाश में पहुंचे, वहां पर माता पार्वती अकेले थी। लेकिन नारद जी का नाम पर जगत में बड़ा बदनाम है। हम कहते ना, तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो, क्या आपस में लड़ाई लगा रहे? नहीं, ऐसे नहीं भैया, नारद की कृपा के बगैर अभी तक तो किसको भक्ति मिली नहीं। जिसको पर नारद की कृपा होगी ना, उसको बेड़ा भारी हो गए। इसलिए इनका नाम नारद, जो कभी रद्द ही नहीं होता है, कोई रद्द नहीं होता है, हर जगह पर ये सक्सेसफुल है। इसलिए नारद, लेकिन जगत में बड़ा बदनाम है नारद जी के। लेकिन नारद जी जब पहुंचे कैलाश में, और नारद जी क्या चाह रहे थे, ये भागवत ग्रंथ कैसे प्रकाशित हो। इतने में नारद जी माता जी को बोले, बोले माता जी सब ठीक ठाक है ना? बोले बेटा तेरे आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। इतने में नारद जी कहते, माता जी आपका विषय पर सोच करके मेरे बड़ा तकलीफ होता है। बोले क्यों? बोले छोड़ो, बोल कर क्या होगा, अगर माताओं को कोई आधी बात बोल देना पेट में नहीं फंसता है। जब तक वो पूरी नहीं सुन लेंगे ना, मैं माता जी को कोई आधी बात बोल कर छोड़ दो, जब तक वो बात नहीं सुन लेंगे उसको जी नहीं भरती है, हाँ? इतने बोले छोड़ दो ना, बोल कर क्या होगा, और ही उत्साह। बोले बात क्या है, हैं? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले जब ज्यादा बोले, बोले आपको पता है शंकर जी की और भी कोई प्रेम, और भी किसको प्रेम करते हैं, और भी कहीं प्यार करने वाले कोई है, आपको ये बात पता है? देखो स्त्रियों को हर चीज माताएं सहन कर लेती हैं, लेकिन अगर माताओं को पता चले मेरे पति और किसको प्रेम करते हैं, ये चीज को पत्नी कभी सहन नहीं कर सकती। बोले क्या बोल रहे हो? बोले प्रमाण, बोले प्रमाण ये है, जब शंकर जी आज आए उनको एक प्रश्न करना, फिर तो सारे रहस्य प्रकट हो जाएंगे। बोले क्या प्रश्न? बोले उनकी गले में एक मुंडन की माला है, उनको प्रश्न करना ये मुंडन की माला किसकी, फिर सब कुछ पता चली जाएगी। बस नारद तो झगड़ा लगा दिए और नारद जी वहां से भाग गए। जब भाग गए नारद जी, और माता पार्वती जा करके मान भवन में लेट गई और बोली, जब तक तीन बार कसम नहीं खिलाओगे तब तक को पूछना नहीं। शंकर जी जब आज आए, माता पार्वती रोज उनकी चरण धोती थी, चरणामृत लेती थी, उनका आरती उतारा करा करती थी, पास में बैठा कर गरम गरम रोटी खिलाती थी, पंखा में हवा करती थी। लेकिन जब आज शंकर जी आए, उनको कोई भी सम्मान करने वाले कोई है ही नहीं। बोले भैया माता जी कहाँ गई? बोले पता नहीं, श्री नारद जी तो आए थे, कुछ बात करके जब गए, माता जी मान भवन में लेट गई। बोले जरूर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके गए। जब उन्होंने जा करके पार्वती के ऊपर हाथ रखते ना, पार्वती तो हाथ को फेंक देती। बोले भैया क्या बात है? पार्वती बोली, मैं तो सोच रही थी आप तो बड़े भोले बाबा हो, लेकिन एक पता लगा आप तो बड़े कपटी बाबा हो। बोले क्यों? बोले बोले क्या बात है? बोले बताओ आपके गले में ये मुंडन की माला किसकी है? आप ये माला को हर समय क्यों धारण करते हो? मैंने सुना आप और किसको अंदर अंदर में कहीं प्रेम करते हो। बोले पार्वती ये जो मुंडन की माला है ना, ये और किसी की नहीं, ये तुम्हारी। बोले मेरी, मेरे सर था मेरे शरीर में, आपकी गले में कैसे आ गई? बोले पार्वती तुमको पूर्व जन्म की बात याद नहीं, पूर्व जन्म में तू थी सती, और तुम्हारी पिताजी मेरे को प्रयाग में जब उन्होंने कुंभ मेला में सारे देवता के जो बुलाए थे, वहां पर मेरी व्यवहार से तुम्हारे पिताजी नाराज हुए, फिर उन्होंने कनखल में यज्ञ की, वहां पर भी मेरे को यज्ञ भाग नहीं दी, और तुमने दुखी होकर के वहीं पर शरीर त्याग दी। बोले एक जन्म नहीं, कितने जीवन से तुम प्राण त्याग करते जा रहे हो, जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तब तक मैंने तेरे मुंडो को, सर को मैंने गले रूप में, माला रूप में धारण कर लेता हूँ। बोले प्रभु मैं तो सोच रही थी आप तो कोई छोटी मोटी कपटी हो गई, अभी तो पता चला बहुत बड़ी कपटी निकले। बोले किस क्यों? बोले ये बताओ अब ऐसे कौन सा अमर गोटी का आपने पान कर रखे हो, आप मर ही नहीं रहे हो, अब मैं तो मरती जा रही हूँ, ऐसे कौन सा अमर गोटी का पान किया हो? बोले पार्वती
जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर बोटी को पान की, तब से मैंने ये अमरत्व को प्राप्त की। बोले प्रभु अब मुझे भी सुना दो, मैं भी अमर बनूंगी, आप भी अमर बनोगे, फिर तो दोनों आनंद में रहेंगे। मैं मरती जा रही हूँ, आप मर नहीं रही हूँ। बोले ठीक है, चलो तुमको मैं अमरनाथ में मैं तेरे को ये अमर कथा सुनाऊंगा। बोले देखो पार्वती, जब मैं कथा सुनाऊंगा भाव विभोर होकर सुनाऊंगा, बीच बीच में तुम हुंकार भरते रहना, पता चले कोई कथा सुन रहे हैं। बोले ठीक है प्रभु जी। फिर शंकर जी जय ध्वनि दिए, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। पीछे वाला तो कुछ बोल नहीं रहे, आवाज का सामने वाला तो आ रही है। देखो भगवान की थोड़ी जयकार है, भगवान का तो जय जय है ही है, भागवत का तो जय ही जय है, लेकिन उनका जो जय देते हैं ना, हमारे बंगला में कहते हैं जय दिले जय हवे। अब जो जितने भगवान की जयकार दोगे ना, आपको उतना ही जयकार होगा। एक बार जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। इतने में श्री शंकर जी माता पार्वती को ये भागवत कथा सुनाना उन्होंने प्रारंभ किया। माता पार्वती हुंकार भर रही थी, बड़ी प्यारी कथा, उसको आगे किया हुआ। लेकिन जब उन्होंने मुक्ति के मार्ग की बात बताने के लिए कही, अगर कोई मीठी मीठी कथा हो ना, मन में तो लग जाती है, लेकिन कहीं अगर तत्व दर्शन की बात हो, कठिन सिद्धांत की बात हो ना, फिर तो दिमाग में घुसते नहीं। जब उन्होंने मुक्ति मार्ग को बताने के लिए गए, जीव ये भवसागर से पार कैसे होएगा, उसी समय तो माता पार्वती सो गई। जब सो गई भगवत इच्छा से, उसी वृक्षों के ऊपर में एक तोता भी बैठ करके कथा सुन रहा था। देखा तो माता पार्वती सो गई, शंकर जी कथा को बंद कर देंगे, मेरी भी कथा अधूरी रह जाएगी, इसलिए तोता भी पीछे 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 हुंकार भर रहा था। जब फिर ये भागवत कथा विश्राम हुई, बोले श्री बांके बिहारी की। बात माता पार्वती नहीं तो खुल गई, बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले कथा तो विश्राम हो गई। बोले नहीं मैं तो सो गई थी। बोले सो कैसे गई थी, अभी तो हुंकार भर रही थी। बोले नहीं मैं तो बीच में सो गई थी। देखो ये जो भगवत कथा है ना, नींद आती है, इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भैया भक्ति करने के लिए 5 चीज को ध्यान देना पड़ेगा। पहला नंबर लय, लय मतलब होता है सोना। आप देखो किसकी चुगली हो ना, एक कान खड़ी हो जाती है, लेकिन कहीं भगवत कथा हो ना, अगर नींद नहीं आने वाले व्यक्ति को भी नींद आ जाती है। कहते कोई एक राजा थे, कहते राजा को बड़ी सालों से नींद नहीं आ रही थी। इतने में राजा बोले अगर मेरे कोई नींद ला देगा, उसको आधा राज्य में दे दूंगा। लोग आए लेकिन किसी तरह से उनको नींद नहीं दिला पाए। एक संत ने बोले बिना दवा के मैं नींद दिला दूंगा। बोले बिना दवा के नींद दिला दूंगा, बोला ऐसे सोओगे ना कितने दिन तक तो नींद नहीं खुलेगी। बोले भैया क्या ऐसे कौन सा दवा, बोले सामने बैठो और कथा सुनो। बस इतने में उन्होंने कथा सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन एक कथा है ना, कथा कौन सुन सकते हैं। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्य। बोले करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य उदय हो, पुण्य उदय हो, तभी कोई कथा नहीं सुन सकते हैं। नहीं तो भैया कथा में बैठना इतने आसानी बात नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री शंकर जी स्वयं कहते हैं, सत संगति दुर्लभ संसारा। इसी संसार में जो सत्संग है, भगवत कथा जगत में बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ। बड़े किस्मत वालों को ये भगवत कथा में रुचि होती है, साधारण व्यक्ति की कथा में रुचि नहीं होती है। जब उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया ना, राजा तो कोशिश की सुनने के लिए, लेकिन जब थोड़ी दूर गई, जो पापी लोग तो कथा में बैठ नहीं सकते हैं, उनको बैठ नहीं सकते कथा में। इतने में उनको ऐसे लगा मानो उनको पल्लव के ऊपर में 100 मार के किसी ने पत्थर लग दिया। बहुत कोशिश की आंख खुलने के लिए, खुल नहीं पाए। आज सोए तो कितना दिन तक सोते रहे। राजा बोले बारे बिना पैसा के तुमने नींद ला दिया। इसलिए जो भगवत कथा में ना ये नींद आती है, क्योंकि ये जम की 3 बेटी है, कहती ये झिमझिमानी झुलझुलानी और सुलसुलानी, कहती इनकी 3 बेटी है। एक दिन इस जम महाराज बड़े दुखी होकर बैठे हुए थे, 3 बेटियों ने कहा पिताजी आप दुखी क्यों,
बोले क्या बताऊं, जगत में संत लोग आकर के लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान की उपदेश दे करके सबको ज्ञानी बना रहे हैं, और जिनको ज्ञान उदय हो भजन करता है, अब भजन करते बड़ा पार है। बोले बताओ ना आपका, हम तीन तीन बेटियां क्या करना पड़ेगा बताओ। तो छोटी बहन बेटी को बोले अगर कहीं कथा हो ना, पहला नंबर में तुम जाकर बैठ जाना, बस अपने आप जम्भाई आने लग जाए है। दूसरी बेटी को बोले तुम्हारे नाम झुलझुलानी, फिर दूसरे नंबर में तुम बैठ जाना, फिर तो झूमना शुरू कर देता है। बोले तीसरे नंबर बेटी को तुम्हारे नाम सुलसुलानी, जब तीसरे नंबर में बैठेगी ना आकर के पास हाथ प्यार फेंक कर सो गए। कहते आज माता पार्वती भी यहाँ पर, माता पार्वती भी सो गई वहां पर है। बोले मैं तो सो गई थी, बोले मैंने तो कथा पूरी कर दी। शंकर जी ने देखा ये कथा नहीं, ये अमर कथा है। अब देखना गीता में कृष्ण अर्जुन को जब ये दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं अंतिम समय में, बोले हे अर्जुन मैंने तुमको जो दिव्य ज्ञान प्रदान की ना अभक्ताय कदाचन, अभक्त को नहीं था, मना करते हैं। भगवान कपिल देव अपना माँ को जब यही ज्ञान देते हैं, यही बात कहते हैं, बोले माँ ये कथा नहीं, ये कथा में स्वयं, ये कथा में स्वयं हूँ, ये ज्ञान सबको नहीं देना, अभक्त को नहीं देना, जिसके हृदय में श्रद्धा हो प्रेम हो उनको ये दिव्य ज्ञान बताना, ये कथा रूप में मैं स्वयं हूँ। इसलिए यहाँ पर शंकर जी ने देखा ये कथा क्या, ये अमर कथा है, और इसको जो श्रवण करेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा सुन करके अमरत्व को प्राप्त करे, ये दुनिया के लिए हानिकारक है। शंकर जी ने देखा सुनी तो कौन सुनी, किसने ये ब्रह्म ज्ञान को छुप करके, ये ज्ञान किसने छुप करके सुने। इतने में शंकर जब देखा उसी वृक्ष के ऊपर में हरे हरे पत्ते को आड़ में एक तोता बैठ कर कथा सुन रहा था। इतने में शंकर जी उठाया त्रिशूल और उसको मारने के लिए उन्होंने उसकी पीछा की, और वो उड़ते जाए, शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे। करते 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 जब बद्री का आश्रम पर पहुंचे, श्री व्यास देव भी अपना पत्नी पिटका को यही भगवत ज्ञान दे रहे थे, वो भी ये कथा को ऐसे ऊपर में मुंह करके ऐसे हाँ करके सुन रहे थे। इतने में वो तोता ने सूक्ष्म रूप में आकर के उसने उनकी मुखार बिंद में प्रवेश कर दिया। शंकर जी ने देखा तोता तो यहीं तक आई, इसको बाद में गायब कहाँ हो गई। व्यास देव जी ने बोले भोले बाबा अब कहाँ से भागते भागते आ रहे हो, बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया, बोले एक तोता ने कथा सुन ली, बोले ये कथा क्या, बोले ये कथा अमर कथा, जो सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। बोले भोले सचमुच से आप भोले ही, आप स्वयं कहते हो ये अमर कथा, जो सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। बताओ ये तोता कथा सुनी थी कि नहीं, बोले हाँ। बोले जब कथा सुन लिया वो तो अमरत्व को प्राप्त कर गया, फिर इसको मारने के लिए आप पीछा कैसे कर रहे हो। शंकर जी बोले भैया ये बात मेरे पहले याद नहीं था, मैं तो भूल ही गया था। फिर शंकर जी सोच रहे हैं ये तोता जरूर कोई साधारण तोता नहीं होगा, क्योंकि अगर साधारण कोई तोता हो ना, कभी कभी भी सात सात दिन तक बैठ करके ये भागवत रस को कभी पान नहीं कर सकता है, हैं? इसलिए कभी सुन नहीं सकता है, जरूर ये कोई पुण्यात्मा तोता होगा। इसलिए शंकर जी ध्यानस्थ हो गए। जब ध्यानस्थ हो गए उन्होंने सब कुछ उन्होंने देखा, बोले क्या देखा, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनी एकांत कनन रहस्य पाणी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। तुमने देखा ये तोता, जैसे भगवान जब अयोध्या से आए थे जैसे पूरा अयोध्या को लेकर के आए, लेकिन जब गए प्रभु जी पूरा अयोध्या को लेकर गए, लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति को छोड़ कर गए। किसको छोड़ कर गए थे बोलो जोर से, बोले श्री हनुमान जी को। बोले क्यों, बोले हनुमान अगर तू चला जाओगे ना फिर तो मेरे भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा, इसलिए तुम रहो और मेरी भक्ति को आगे बढ़ाना। ठीक उसी तरह जब ठाकुर जी ये मर्त्य जगत छोड़ कर गए थे, ये तोता भी तैयार हुआ जाने के लिए। बोले तोता अगर तुम चले जाओगे तो
मेरी कथा को जगत में कौन प्रचार करेगा, कभी ये तोता कौन है। इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों कहते हैं, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये राधा रानी की अत्यंत अत्यंत ये प्रिय तोता जो निकुंज महल में जो रहने वाले। हमारे गोस्वामी लोग तो कहते राधा रानी की तीन तोते थे, एक मंजूभाषी, एक सुभा और एक विचक्षण। ये राधा रानी के तीन तोता, वो अलग अलग समय पर ही अलग अलग काम करते थे। राधा रानी के अलग अलग काम समय पर कौन सा तोता को भेजना है वो जान करके वो वही से तोता को भेजते थे, हैं? इसलिए उनका तीन तोता थी। और ये जो तोता है बोले निकुंज प्रासाद सदा निवासी, जो राधा रानी की निकुंज महल में जो रहने वाले तोता, जिसको राधा रानी हाथ में बैठा करके कभी कभी उनकी अनार की दाना खिलाया करती थी और उनको बोलते थी बोलो तो कृष्णा कृष्णा। वो तोता भी बड़ी मीठी मीठी स्वर से बोलते थे कृष्णा कृष्णा। एक दिन क्या हुआ, श्री राधा रानी कृष्ण विरह में एक चार लाइन श्लोक उच्चारण की, बोले दुरापजन वर्तिना। हमारे श्री कभी कर्णपुर वर्णना करते हैं, बड़ी विरहात्मक श्लोक सुनाए, बोले मेरी जो प्रेम है ना वो श्याम सुंदर से हो गया। लेकिन ये श्याम सुंदर तो साधारण है ही नहीं, ये तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन इनकी प्रति मेरी प्रेम हो गई है। अभी मैं ये श्याम सुंदर को प्राप्ति करूं तो प्राप्ति करूं कैसे। इसलिए राधा रानी अत्यंत विरह में उन्होंने ये श्लोक को उच्चारण की। लेकिन ये जो तोता था विचक्षण तोता, जो एक बार सुने ना उसको याद कर लेता था, उन्होंने राधा रानी की मुंह से एक बार उन्होंने ये श्लोक को सुन करके पूरा के पूरा उसने रट लिया। रट करके एक दिन राधा रानी को हाथों से ये उड़ते 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 बरसाना से चली गई, नंदगांव में चली गई और जा करके एक छत टहनिया में बैठ करके बड़ी सुंदर राधा रानी की भजन गा रही थी। बोले राधे का नाम अनमोल बोल, राधे 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 का नाम। श्लोक सुनाया
ये तोता होकर के संस्कृत श्लोक और राधा रानी की गला की आवाज जैसे उन्हें एक सुंदर पिंजरा मिलवाया और वो पिंजरा में उन्होंने श्री वो तोते को रख दिए। अभी राधा रानी तो तोते को बिरह में मेरे तोता कहा एक माधुरी का नाम का सखी थी, बोले देखो तो मेरे तोता कहीं उड़ते हुए चला गया। और ढूंढते ढूंढते जब उन्हें नंदगांव में आया वो देखा कृष्णा हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिला रहे थे और बड़ी उनको सुंदर सुंदर कीर्तन सुना रहे थे। बोले श्याम सुंदर ये तोता हमारी किशोर जी की तोता, हमारी किशोर जी की ये पालता तोता। बोले अगर तुम्हारी ये किशोर जी की पालता तोता फिर तुम बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए तुम्हारी हाथ में आ जाए समझूगा भैया तोता तुम्हारी तुम ले जाना, पालतू तोता तो उड़ कर आएगा ना। बोले हे श्याम सुंदर तुम्हारे नाम ही कृष्ण है, कृष्ण मतलब क्या है? बोले करसत इति कृष्ण, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को अपना माधुर्य सौंदर्य नाम रूप गुण लीलाओं को द्वारा जो विश्व ब्रह्मांड को जो आकर्षण करे वो कृष्ण है। बोले श्याम सुंदर जगत में ऐसे कौन सा जीव होगा जो एक बार तुम्हारे हाथ में बैठ जाए और तुमको इतने प्यार से उसको अनार की दाना खिलाओ इतने लाल लड़ाओ जगत में फिर तुमको कोई छोड़ सकता है, कोई छोड़ सकता है? बोले यहाँ तक भी कृष्ण की माधुर्य देखी वासुदेव को। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण इतने सुंदर हैं, लक्ष्मी भी जो कृष्ण को पाने के लिए वैकुंठ त्याग दे कर के अभी भी लक्ष्मी बेल वन में बैठ कर कठोर तपस्या कर रही हैं। बोले लक्ष्मी की बात छोड़ दो, बोले स्वयं नारायण जब कृष्ण की माधुर्य को सुनते हैं नारायण वैकुंठ छोड़ करके द्वारका में ब्राह्मण का बच्चों को चोरी नहीं किया है। नारायण स्वयं बोले नारायण की बात छोड़ दो, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जब श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की माधुर्य ये मथुरे से कृष्ण सुनते हैं उनके हृदय में भी खोल प्रकट होता है कृष्ण इतने सुंदर। इनकी बात छोड़ दो, कृष्ण अपना रूप को जब उन्हें मणि स्तंभ के ऊपर में प्रतिबिंब होते हुए अपना मणि स्तंभ के ऊपर देखते हैं कद अपरकलित पूर्वम कश्चमात कारकारी, कृष्ण स्वयं आकृष्ट हो जाते हैं। बोले भैया ये कौन है इतने सुंदर, कृष्ण अपना परिचय को देकर कहे इतने सुंदर कृष्ण कब मैं राधा रानी बनूं और ये रूप तो मैं कब आलिंगन करूं कौन? बोले कृष्ण स्वयं जो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण इतने सुंदर, इसलिए कलयुग में कृष्ण क्यों ये चैतन्य महाप्रभु बन करके आए यही कारण है। चैतन्य महाप्रभु बनने का राधा रानी के अंदर में जो माधुर्य, राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम का आस्वादन करती हैं, कृष्ण में क्या माधुर्य है उसको स्वयं कृष्ण आस्वादन करने के लिए कलयुग में सचिनंदन गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप में महाप्रभु अवतीर्ण होते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। इतने में उस सखी कहती है बोले श्याम सुंदर ये बताओ एक बार जो तुम्हारे हाथ में बैठे और तुम उसको इतने प्यार से उसको अनार की दाना खिलाओ वो कभी तुमको छोड़ सकता है? बोले भैया तुम जाओ रास्ता देखो फिर तोता तो मेरा ही तोता। इतने में वो जाकर के श्री मैया जसोदा से बोलती है बोले मैया हमारी किशोर जी की तोता उड़ते हुए आ गया, श्याम सुंदर पकड़ लिए वो देना नहीं चाह रही और राधा रानी बड़ी दुखी है। इतने में मैया बोली कोई चिंता मत करो कृष्ण जब गोचारण करने जाएंगे ये पीछे से ये तोता को मैं भेज दूंगी। कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाए बोले ये तोते को मैं साथ में लेकर जाऊंगा। मैया बोले पागल हो गया क्या है, जंगल में कहां भटकोगे कहां धूप में ये तोता मर जाएगा? बोले मैया ये तोता है ना ये संस्कृत श्लोक बोलता है और राधा रानी की गला की आवाज जैसे। बोले लाला कोई चिंता मत करो तू जा मैं पीछे से देखूंगी। जब कृष्ण गोचारण करने के लिए गए ना इतने में पीछे से उन्होंने ये तोता को श्री किशोर जी को पास में भेज दिया। शंकर जी जब ध्यानस्थ हुए उन्होंने सब कुछ उन्होंने देखा,
कैसे ये तोता को छोड़ कर गए और यही तोता ही व्यास देव का पत्नी के गर्भ में प्रवेश की और यही तोता श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आएंगे और जगत में भागवत कथा को जगत में प्रचार करेंगे। उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने समस्त लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया। शंकर जी ने सोचा कथा सुनाना सार्थकता हो गया, कथा सुनाना मेरी सार्थकता हो गया, क्योंकि यही भागवत रचना करने वाले शंकर जी बोलने वाले पार्वती को है, बोले ये एक ऐसे तोता है दुनिया में, ये हरि भक्ति को जगत में भागवत कथा को ही जगत में प्रचार करेगा। इसलिए शंकर जी परिक्रमा की, उनको परिक्रमा करके प्रणाम करते हुए शंकर जी चले गए और वही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में आए। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं, देखो ये कथा की कितने महत्व है। शंकर जी स्वयं कहते हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम, जो देव देव महादेव, जो भी जोगी महाजोगी स्वयं कहते हैं ये भागवत कथा सुनकर के ही मैंने अमरत्व को प्राप्त की। माता पार्वती अब नवरात्रि जा रही थी ना, सारा दुनिया जो माता की इतने पूजा करती है, वो माता स्वयं कहती है जब से मैंने कथा सुनी है तब से ये अमरत्व की प्राप्ति की है। अगर हम भी अगर कथा सुनेंगे फिर हम क्यों अमरत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने कथा सुने हैं वो सबके सब अमर हो गए, सबके सब अमरत्व को प्राप्त की। इसलिए कथा सुनने का जो पहला लाभ किया है, बोले तब कथा अमृत ताप्त देवना इसलिए कथा का पहला लाभ है जीव को अमृत तत्व तो प्राप्त मिलेगा। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले तप्त जीवन। हम संसार में सबके सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई पड़ोस से, कोई सास से, कोई ननद से, कोई बहू से, हम सबके सब संसार में दुखी दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी हरि का दास। इसलिए हम सबके सब दुखी है। लेकिन आप लोग देखना ये कथा में जैसे 2-3 घंटा आप बैठोगे ना, आप देखना घर का कोई दुख कष्ट तुम्हें याद है, कोई याद नहीं। क्योंकि कभी जो कथा सुनते हैं ना वो भगवान की गोद में बैठते हैं, कथा नहीं ठाकुर जी की गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए कहते तप्त जीवनम, बोले जो तीसरा लाभ है, बोले कभी भी रीड़िता, बोले कथा को बोलने वाले कौन, बोले साधारण व्यक्ति नहीं, ये सर्वप्रथम ये कथा किसकी मुंह से निकली, बोले चतुश्लोक रूप में, तो चतुश्लोकी रूप में सर्वप्रथम भगवान स्वयं ये ब्रह्मा जी को उपदेश दिए। इसलिए इसका नाम भागवत का एक अर्थ होता है भगवत प्रोक्तम इति भागवत, जो भगवान की मुखार बिंद से जो कथा निकली है। और भागवता नाम कथा इति भागवतम, बोले भगवत कथा इति भागवतम। इसलिए भागवत का तीन अर्थ रूप गोस्वामी बताए, जो साक्षात भगवान की मुंह से जो कथा निकली और जिसमें भागवत का कथा है।
भागवत कौन से नारद जी कथा, ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी कथा, अम्बरीश की कथा, ब्रजवासियों की कथा, इस सबके सब महाभागवत है। और श्री इसलिए कहते जिसमें भगवत कथा जिसमें ये भागवत है, इसलिए कहते कभी भी रीडितम सर्वप्रथम इन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा भी कथा सुनाए, फिर उन्होंने नारद जी को दिया, ये नारद भी कथा सुनाए, फिर नारद व्यास देव को दिया, ये व्यास देव भी कथा सुनाए, और व्यास देव सुखदेव गोस्वामी को दिया, इन्होंने भी सुनाए, उनने से सुत गोस्वामी को दिया, उन्होंने भी सुनाए। जिनको ये ज्ञान दिया ना, वो अपना पास में कोई नहीं रखा, ये कथा को सबने बांटा, सबको दिया है। और कथा ऐसे की चीज है, आप जितने बांटोगे ना ये जगत में, अगर कोई धन दौलत का आप दोगे कम हो जाएगा, कम होगा कि नहीं, लेकिन ये कथा को जितने आप बांटोगे ना ये कम नहीं होगी, वो बढ़ती है। इसलिए मीरा कहती है ना, दीन दीन बढ़ता सबायो पायो जीने राम रतन धन पायो पायो जीने राम रतन। ये कथा कभी झटती नहीं, ये कथा बढ़ती रहती है। इसलिए कहते कभी भी रीड इतम कल मसाकम, कथा सुनने से क्या होता है, बोले जितने जीवन का पाप है वो सारे पाप हमारी नष्ट हो जाएगी भागवत कथा सुनने से बड़े पाप है, जो पाप नष्ट होने वाले नहीं वो भी भागवत कथा से ही ये नष्ट हो जाती है। बोले कलमस आपम श्रवण मंगलम, इसको सुनने से क्या होगा, बोले जीवन में मंगल ही मंगल होगा, कभी जीवन में अमंगल नहीं होगी। बोले श्री श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब शोभा, कभी ये कथा को जो सुनेगा उसको सब कुछ प्राप्ति होगी, जगत में सारे सुख उसको प्राप्त होगी। बलंता अर्थ लो, जो व्यक्ति ये कथा सुनेगा उसको संसार का बंधन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए गोपियां कहती हैं जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, कहते उसमें जो पुण्य है, लेकिन भागवत कथा को जो दान करते हैं इसको सामने तो जगत का कोई भी पुण्य कर्म को आप कभी भी भागवत को साथ में बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए गोपियां कहती हैं ये कथा जो दान करने वाले, जैसे अशोक प्रभु जी राधा माता जी कथा दान कर रहे हो ना, इसलिए कहते हैं जो भागवत कथा जो दान करते हैं, राधा रानी स्वयं कहते हैं जगत में भूरी दा जना, जगत में सबसे बड़े दानी ये भागवत कथा को जो दान करते हैं। एक भजन गा लो भैया हेमंत, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृत मुखी, बढ़िया भजन गा लो, जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे हरि। जा रही रही हो मसाला ब्रह्मा
बड़ा हो तभी तो उसकी महिमा होगी।
लेकिन उसको पहले कैसे ये पूर्ववर्ती ग्रंथ में ये भागवत की महिमा फिर से कैसे आ गई। इसलिए हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भैया ये व्यास देव का ये ग्रंथ नहीं है, ये व्यास देव ने ये ग्रंथ नहीं लिखे, ये ग्रंथ नित्य सिद्ध है। सर्वप्रथम तो भगवान की मुखार बिंद से ये ग्रंथ लिखी, प्रकाश हुई, इसलिए व्यास देव ने समाधि दृष्टि से देखा है। लेकिन जो भागवत ग्रंथ नित्य, जैसे कृष्ण अर्जुन को कहते बोले हे अर्जुन तुम ये बात समझो, अभी ये गीता की उपदेश मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये मैंने पहले वैवस्वत मन्वंतर में मैंने सूर्य को पहले ही ज्ञान दे रखा है, अभी दोबारा जरूरत पड़ रहा है इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। उसी तरह ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले हे अर्जुन जब जब इस जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, पृथ्वी गो ब्राह्मण संतों को ऊपर अत्याचार होती है, तब तक मैंने इसी जगत में अवतीर्ण होकर के मैंने संतों को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को विनाश करता हूँ। इसलिए कभी भगवान मत्स्य अवतार रूप में आकर उन्होंने ये वेद को धारण किया, कभी कुर्म रूप में आकर के मंदर जल पर्वत को धारण किया, कभी बराह अवतार रूप में उन्होंने ये पृथ्वी को उत्तरण किया, कभी नरसिंह के रूप में उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारे, वामन पर कृपा की, रामावतार में उन्होंने रावण को वध किया। उसी तरह ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी ये स्वयं कृष्ण ही है ग्रंथ रूप में। जैसे भगवान अवतीर्ण हुए मतलब पहले नरसिंह क्या थे नहीं, क्या भगवान राम पहले थे नहीं।